रंग और गुलालों में मिलावट को देखते हुए हमने घर पर ही हर्बल गुलाल बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखकर आप भी बनाइए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों होली आ रही है तो होली के त्योहार में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गुलाल भी लगाते हैं। दोस्तों हर्बल गुलाल हमने घर में बनाया है, देखिए बनकर तैयार हो गई है हर्बल गुलाल। इस होली में हम इसे यूज करेंगे, हम एक दूसरे को लगाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल रंगों में और गुलालों में मिलावट आ रहा है, केमिकल देकर गुलाल और रंगों को बनाया जाता है जिससे कि हमारे चेहरे को बहुत नुकसान होता है। हर्बल गुलाल जो हमारे चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में घर में गुलाल हम कैसे बना रहे हैं। दोस्तों अरारोट पाउडर से आज हम बना रहे हैं हर्बल गुलाल। हल्दी और चुकंदर का रस देकर अलग अलग रंगों में गुलाल बनाएंगे और गुलाल में खुशबू के लिए ये है गुलाब जल। गुलाब जल के अलावा टेलकम पाउडर, इतर और फ्रेग्रेंस कोई भी एक दिया जा सकता है। सबसे पहले हल्दी वाला गुलाल बनाएंगे, जिसके लिए हल्दी को एक कटोरी में रखकर हल्दी का घोल बनाएंगे और अपने ज़रूरत के अनुसार अरारोट पाउडर लेंगे। दोस्तों अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन और ऑल भी करना है ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे नए नए वीडियो के बारे में आपको पता चले। देख सकते हैं हल्दी में पानी देकर हल्दी का घोल बनाया जा रहा है। हल्दी के रंग को देखते हुए अगर हल्दी में रंग कम है, हल्दी को थोड़ा ज़्यादा करके भी दिया जा सकता है क्योंकि हल्दी हर्बल है। अब हल्दी के इस घोल को अरारोट पाउडर में मिलाया जा रहा है। ज़रूरत पड़े तो और थोड़ी सी हल्दी के घोल देंगे और इसी तरह से अरारोट पाउडर और हल्दी को अच्छी तरह से मिलाना है। तो दोस्तों देखते हैं गुलाल बनाते हुए। हर्बल गुलाल घर में बनाया जा रहा है, देखिए मेरी वाइफ बना रही है। देख सकते हैं अब अरारोट पाउडर और हल्दी को अच्छी तरह से मिला लिया गया है। अब इसमें टेलकम पाउडर दे रहे हैं। टेलकम पाउडर के जगह गुलाब जल, फ्रेग्रेंस और इतर कोई भी एक दे सकते हैं। टेलकम पाउडर को देने के बाद और थोड़ा सा मिलाना है, ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा पाउडर दिया जा सकता है। हल्दी को जिस तरह से मिलाया है पाउडर को भी उसी तरह से मिलाना है। दोस्तों हल्दी वाला हर्बल गुलाल करीब करीब तैयार हो गई है। अब इसे 3 से 4 घंटे तक ड्राई होने देना है, ड्राई नॉर्मल रखकर करना है। दोस्तों अब बनाएंगे चुकंदर का गुलाल। देख सकते हैं ये है चुकंदर। चुकंदर का रस आप अपने तरीके से निकालिए और हम कुछ इस प्रकार चुकंदर का रस निकाल रहे हैं। चुकंदर में हल्का पानी दिया जा सकता है। चुकंदर का रस गाढ़ा होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों चुकंदर का रस हमने बना लिया है, और अपने ज़रूरत के हिसाब से अरारोट पाउडर लेना है और हल्दी के जगह चुकंदर का रस देकर कंटिन्यू मिलाते रहना है, जैसे कि हल्दी वाले गुलाल में हमने किया है और आपने देखा है। तो दोस्तों देखते हैं अरारोट पाउडर में चुकंदर का रस देकर किस प्रकार बना रहे हैं। चुकंदर के रस वाले गुलाल में थोड़ा सा अंतर है, जिसे आप इस गुलाल को बनाते हुए दृश्य में
देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप भी अपने घर में अपने लिए हर्बल गुलाल बना पाएंगे, वो गुलाल जो आपके चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों देखते हैं चुकंदर का रस देकर हम हर्बल गुलाल किस प्रकार बना रहे हैं। दोस्तों अभी आपने देखा है हल्दी वाला हर्बल गुलाल बनाते हुए, और अब देख रहे हैं चुकंदर का रस देकर हर्बल गुलाल बनाते हुए। दोस्तों इस तरह का हर्बल गुलाल पालक का रस देकर भी आप बना सकते हैं, और उसका बनाने का तरीका भी यही है। अब इस गुलाल को बनाते हुए देखते हैं। मैडम क्या बना रहे हैं? हाँ? क्या बना रहे हैं? हर्बल गुलाल बना रही हो होली के लिए? बहुत बढ़िया। अब ये चुकंदर का हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। चुकंदर का रस देकर हर्बल गुलाल बना रहे हैं, देखिए। दोस्तों यह है गुलाब जल। हल्दी वाले गुलाल में हमने टेलकम पाउडर दिया है, और चुकंदर वाले गुलाल में गुलाब जल दे रहे हैं। दोस्तों आप चाहे तो इतर भी दे सकते हैं या फ्रेग्रेंस भी दे सकते हैं। गुलाब जल देने के बाद अच्छी तरह से मिलाना है, जैसे कि अभी आपने हल्दी वाले गुलाल को मिलाते हुए देखा है। दोस्तों अब देखते हैं आगे। दोस्तों दो तरह के गुलाल बनकर तैयार है। अब 3 से 4 घंटे तक ड्राई होने के बाद आटा छानने वाली छन्नी से छानेंगे। दोस्तों गुलाल में अगर छोटे छोटे गुठली हो तो उसे सिलबट्टे में पीस लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों हमने दो प्रकार के हर्बल गुलाल बनाया है, और ये गुलाल हमारे चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा है हर्बल गुलाल बनाते हुए। दोस्तों आशा करता हूँ हर्बल गुलाल बनाने का यह तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से हर्बल गुलाल बनाने के लिए आप एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखकर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।